WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। अब तक ये मामला दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा था, लेकिन अब इस मामले को MP MLA मामलों की सुनवाई करने वाली ACMM कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब मामले की सुनवाई 23 जून को होनी है। बता दें कि कुछ ही दिनों पहले दिल्ली पुलिस ने इस केस में 1000 पन्नों की चार्जशीट पेश की थी। पुलिस की इस चार्जशीट में ब्रजभूषण के अलावा भारतीय कुश्ती संघ के सचिव विनोद तोमर का नाम भी शामिल है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354, 354A और D के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है, जबकि विनोद तोमर के खिलाफ धारा 109, 354, 354A और 506 के तहत चार्जशीट दायर की गई है। बीजेपी सांसद पर 6 महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। इन 6 महिला पहलवानों के अलावा एक नाबालिग महिला पहलवान ने भी पहले ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और उन पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस भी दर्ज हुआ था। हालांकि बाद में नाबालिग पहलवान अपने बयान से पलट गई थी और फिर दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल करते हुए पॉक्सो के तहत ब्रजभूषण शरण सिंह पर दर्ज केस को रद्द करने की गुहार लगाई थी। गौरतलब है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट जैसे पहलवान दिल्ली में कई दिनों तक प्रदर्शन भी कर चुके हैं। खिलाड़ियों ने इस मामले में केंद्रीय खेल मंत्री से भी मुलाकात की थी। बहरहाल भारतीय ओलंपिक संघ ने कुश्ती महासंघ के चुनावों की तारीखों में फेरबदल कर दिया है। अब ये चुनाव 6 जुलाई को नहीं बल्कि 11 जुलाई को होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।